घर पे बैठे हैं, मामी के घर पे बैठे हैं। तो भाई राहुल के साथ वी आर इन दिस प्लेस, वी आर फाइंडिंग हिज होम। लेट्स सी इसका घर कहाँ पे है। 30 साल के बाद एक कश्मीरी पंडित इज कमिंग टू विजिट हिज होम। तो भाई राहुल के साथ वी आर इन दिस प्लेस, वी आर फाइंडिंग हिज होम। लेट्स सी इसका घर कहाँ पे है। 30 साल के बाद एक कश्मीरी पंडित इज कमिंग टू विजिट हिज होम। जबरदस्त स्कूल है ना, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त एक जाए एक स्कूल। यहाँ पर हम अभी हब्बा कदल की गलियों में घूम रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग अहेड। तो गाइस इसका आज पहला दिन था, तो उसने बोला कि मैं छू गफ्फल। पाक चलो अब हम उन गलियों में घूम रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, मैं खुद यहाँ पे नहीं आया हूँ कभी, बट सम हाउ वी आर फाइंडिंग दिस स्कूल। सो लेट्स सी क्या होगा। सो कोशिश बोस ओस एम सोस गोनिक दो। सो लेट्स सी हाउ इस एक्सपीरियंस विल बी लाइक कि 30 साल के बाद ये कश्मीर आ रहा है। तब बच्चा था, बुढ़ा हो गया है, तो आई थिंक यही वाला है। This is the one. Yes. He's talking about this school, Right Way Public School. इसका कुछ अलग नाम होगा ना तब? इसको जबरदस्त स्कूल। जबरदस्त स्कूल। So finally you बेटा, बच्चा लोग एक बात बताओ यहाँ पे ना। So guys, best part is like Rahul busy हो गया। Somebody heard कि कश्मीरी पंडित brother has returned. They were trying to tell him भाई, आ जाओ चाय पियो। देख भाई, फिर बकवास करेगा ना? अगर आधे घंटे के बाद उसको लंच भी मिलता, शाम को डिनर भी मिलता। चलो भाई फिर हम निकलते हैं। आ चुके हैं बादल खोड़े इन सर्च ऑफ भाई, हमारे जो भाई हैं इनका घर है बादल खोड़े एरिया में, तो हम वही ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। हे इतने युगों युगों के बाद आज वी आर इन दिस प्लेस, तो लेट्स फाइंड हिज होम। अगर है तो कुछ नहीं, कश्मीर की रियलिटी अब कश्मीर आके आपको पता चलेगी। एंड वी ऑलवेज हैव लव्ड कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी सिख्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी क्रिश्चियंस। Nobody can break us, but क्या करें, कभी कुछ लोग एक रुपए के लिए अपने औकात अपना ज़मीर बेच देते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। एनी वेज सो ही वॉज स्टेइंग इन माई होम, फ्लाइट थी एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट से मेरे घर आया, तो वो वर सर्चिंग ये है, इस एरिया में हम सर्च कर रहे थे। फाइनली वी गॉट टू मीट देयर ओल्ड रिलेटिव्स, इनके जो ओल्ड नेबर्स थे, सो वी गॉट देम एंड फाइनली वे है नेबर्स हैं वो यहीं पर हैं। तो राहुल गॉट इन, वो उसको तो खातिरदारी हो रही है चाय पानी और बैठा आराम से। सो आफ्टर 30 इयर्स दे हैव मेट। बच्चे दाल बट कूद खराब है। दबान से मैंने इसको अपने घर में चाय नहीं दिया भैया। अब जब पुराने मोहल्ले में आ गए, अपने मोहल्ले में रंग बदल लिया दाल बट ने। तो गाइस द फैक्ट इज, जो लोग कश्मीरियत को नहीं समझते उनको समझना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये बंदा द मोमेंट ही लैंडेड, लाइक इसकी फ्लाइट बोर्ड हुई है, बाहर एग्जिट आया, पहले मुझे मामानी के पास जाना। ये मामानी का लफ्ज़ मैं पिछले 8 साल के इसके मुँह से सुन रहा हूँ। सो फाइनली ये मामानी साहब के घर में ही पहुँच गया। सो गाइस फाइनली 30 साल की जद्दोजहद के बाद हम हैं क्या खोड़ा, अब्दुल वादल खोड़ा समझ से सामुद किंसुल, अब्दुल कादिर रहना, अब्दुल कादिर रहना, इनको ये मामानी बोल, मामानी के घर में हम बैठे भाई। फाइनली राहुल भाई का घर मिल गया है। सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस इज योर होस्ट कियान। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो का इंतजार, मैं पिछले 7 साल से कर रहा था, मुझे पता था, बिकॉज राहुल एंड आई वी कनेक्टेड, हम लोग 7-8 साल पहले दिल्ली में मिले थे, मैं वहाँ पढ़ता था लिटरली, दिल्ली इज लव। तो भाई राहुल के साथ मुलाकात हुई, तब से हिज फैमिली ट्रीट्स मी लाइक अ सन, उनकी मॉम, उनके डैड, रिस्पेक्टेबल पीपल। मुझे आंटी के हाथ का वो चिकन अभी भी याद है। सो आंटी अगर तो वीडियो पूछा, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यू। एक दूसरी माँ मुझे मिली है, सो रहमत इस चीज पर। और ये वीडियो प्लीज शेयर करेगा, जो बेगैरत होगा, चाहे वो देखिए कश्मीरी में
doesn't mean you are a Muslim. Kashmiri doesn't mean you are a Sikh, Christian or any. Kashmiri means you are Kashmiri. So yahi protocol se hame khoon se hamare ragon mein yahi dodta hai. Aur ye video please share karega jo beghairat hoga, nafrat ka vaasi hoga aur andhbhakt gobar hoga jiske dimag mein to wo to ye samjhega nahi. Because dekho do cheeze hai, kashmiri panditon ke saath zyada zulm ho gaya. दूसरी चीज, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ तो जुल्म हुआ ही नहीं यार. चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ जुल्म हुआ या कश्मीरी पंडित के साथ, वो हालात क्या थे क्या नहीं थे, हम लोग बचपन से यही चीजों में सुनते सुनते पक गए हैं भाई. अब देखिए, बात करनी है, कश्मीरी पंडित का हक है बात करने का, कश्मीरी मुस्लिम का हक है बात करने का, कश्मीरी सरदार का हक है, जो कश्मीर में पैदा पला बड़ा है, जो इस मिट्टी का, उसको हक है. अब जी कुछ गोबर दिमाग वाले लोग बीच में आ जाते हैं जो कश्मीरी पंडित नहीं है. अब जी कोई नॉर्मली कोई हिंदू भाई बहन दिल्ली मुंबई बैंगलोर से, वो भाई कश्मीरी पंडित के साथ तो गलत हुआ है, कश्मीरी मुस्लिम के साथ तो गलत हुआ ही नहीं है. भाई ये सोचना साइड में कर लो, पहले तुम्हारा हक बनता ही नहीं है बात करने का. इंसानियत की बात करो, ये मत कहो कश्मीरी मुस्लिम तो बड़े मजे में है, कश्मीरी मुस्लिम ने तो कुछ सहा ही नहीं, बस कश्मीरी पंडित की बात करते हो. जब भी मैं कमेंट्स में हजारों कमेंट्स दिखा सकता हूं, इट्स ऑल अबाउट कश्मीरी पंडित, व्हाई इट इज नॉट अबाउट कश्मीरी मुस्लिम, डोंट टेक इट अदरवाइज. This video is a social message. ये एक जोरदार तमाचे वाला थप्पड़ है हम लोगों की तरफ से. I represent Kashmir as a localite. मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ, इसका मुझे फख्र है. जो मेरे कश्मीरी पंडित भाई हैं, बेपनाह मोहब्बत है उनसे. बट एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो लोग कश्मीरी मुस्लिम्स को बदनाम करते हैं ना कि कश्मीरी मुस्लिम्स और पंडित के बीच में हर बार बकवास, कभी भी देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल टाइम जब कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित ने आपस में गिरेबा पकड़ा हो, गाली गलौज किया हो, जो हम बाकी स्टेट्स में बहुत देखते हैं हिंदू मुस्लिम. यहाँ कभी हुआ ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं, और मीडिया ऐसी चीजें आपको दिखाएगा नहीं. सो माई पॉइंट वॉज टू टेल यू हाउ कश्मीरी मुस्लिम्स लव एंड रिस्पेक्ट एवरी वन, वेदर यू फ्रॉम पंडित कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी. भाई सिख कम्युनिटी की बात नेक्स्ट टाइम होगी तो वो तो जान और शान है भाई. So भाई lots of love to Pandit family, Pandit community of Kashmir. वो आना चाहते हैं यहाँ पर, इतने लोग सालों से इतने गांव में कश्मीरी पंडित रहने, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, उनका भी हक है, उनका भी घर है. तो ये पॉलिटिकली वो रोंदू वाली गेम खेलना, इमोशनल ब्लैक कार्ड्स, ये सब यार अब ये हो गया बहुत. शो बीस घर आओ बैठो चुपचाप, यहाँ कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है. एंड फैक्ट ये है कि वी हेट दिस काइंड ऑफ इमोशनल मेलोड्रामा, ये हमें पसंद नहीं है, बिकॉज अगर हम अपने जख्म दिखाएंगे तो बहुत है. सो मेरा मुद्दा ये वीडियो बनाने का था, ये देखिए हमारा भाई था पंडित भाई राहुल, पहले हम थैंकफुल टू दिस पर्सन, ये मेरे घर आया, कुछ ज्यादा दिन रुका नहीं बिकॉज ड्यू टू सम रीजन ही कुड नॉट स्टे, इसको ट्रैवल करना था बाकी जगह. और ये खूबसूरत लोग, लुक एट दैट फैमिली फ्रॉम हबकल. देखो ये जो राहुल भाई है मेरा, ये जब मतलब ये दिल्ली मूव आउट कर गए थे तो उस टाइम पे ये बहुत छोटे थे, इनके बड़े भाई हैं वो काफी बड़े थे, उनको ये बहुत छोटे थे, इनको इन्होंने बस एक महीने दो महीने गोद में पकड़ा होगा. 30-35 साल की लाइफ के बाद राहुल वापस कश्मीर आते और देखना चाहते मेरा घर किधर है. देखा भी, और जो उनके नेबर्स है, नेबर्स से बड़ी रहमत कुछ नहीं है, नेबर्स के साथ प्यार बढ़ाओ. यही नेबर्स बाहर निकल के गले लगा रहे, चाय पिला रहे, और राहुल तो मुझे लग रहा है 10-12 दिन इनके घर पे था. राहुल स्पेयर मी, मैं बच गया. इनको पता नहीं क्या झेलना पड़ा होगा. एनीवेज राहुल बहुत मस्ती खोर इंसान है भाई, कभी ये इधर जाऊंगा आज उधर जाऊंगा शाम को गांधरबल सुबह सोपर पे, भाई रुक जा इंसान है भाई. सो एनीवेज दिस वाज राहुल. ऐसे ही राहुल पता नहीं कितने कश्मीर में आते जाते हैं, ऐसे ही राहुल जो यहाँ रहते हैं सदियों से, बट वो बोलते नहीं हम घर. देखिये जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो. लेट मी टेल यू वन थिंग, डाउन द लाइन वी एज अ कश्मीरी मुस्लिम्स वी डोंट हेट एनीवन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कश्मीरी मुस्लिम्स को ऐसा गंदा पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया चैनल्स पे, टीवी स्क्रिप्ट्स पे. आई डू नॉट नो व्हाई दे आर डूइंग इट. ये इनको हिंदू मुस्लिम दिखाना है कि कश्मीर में भी मुस्लिम्स ऐसे माइंडेड है, हम कम्युनल माइंडेड थे ही नहीं. तो दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग द वीडियो. और बाकी रहे कश्मीरी पंडित के बाद, देखिए उनके साथ भी सफरिंग्स हुई है, उनको भी कुछ, जब लोग इंसान गर दरबदर हो जाता तो वो ईजी नहीं है. हमारे साथ तो आप पूछो ही मत क्या बोले, और यही चीज है अगर हम बोलने बैठ गए तो कश्मीरी जब बोलता तो मुसीबत. एनीवेज लेट मी टेल यू वन थिंग, जो बीच में आग और घी का डालने का काम करेंगे, कमेंट करेगा यार तुझे क्या पता कश्मीरी पंडित ने सहा है, तुम लोग मजे में कर, तुम्हारे पास घर बार प्रॉपर्टी. भाई जब टेंशन होती है ना तो कुछ सूझता नहीं है, तो वो इंसान बोलता है कीनिया चला जाए, वह जमीन थोड़ी सी लेकर चुपचाप किसी नाले कोने में बैठ जाए. एनीवेज सो भाई सिंपल सा फैक्ट है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, बाय बाय. दिस इज द लेवल ऑफ सिविलाइजेशन 2000 सेंचुरी चल रही है, और आप थोड़ा ग्रो अप कर ले माइंडसेट को. ये
जो दिमाग में गोबर, खासकर उन जो हिंदू भाई आते हैं कमेंट करने, कश्मीरी पंडित के हक की बात करो, कश्मीरी पंडित के हक की बात करो, पहले भाई इंसानियत की हक की बात करो, तुम्हें कश्मीरी मुस्लिम से दिखता है, तुम्हें कश्मीरी सरदार नहीं दिखता, तुम्हें कश्मीरी क्रिश्चियन नहीं दिखता है। एनीवेज लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। आप प्लीज यार इसको जरूर शेयर करिएगा, अगर आपके दिल में जज्बा है कश्मीरियों के लिए, इंसानियत के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, चाहे आप किसी भी, यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यू आर फ्रॉम रशिया, यू आर फ्रॉम अमेरिका, एंड नंबर ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स, इफ इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एंड ये जो आग में वो घी डालते हैं वो वाला काम ना करो, शेयर द वीडियो, अच्छा लगा बाकी वीडियोस भी देखो, सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का और एक पार्ट है यहाँ पे, कश्मीर मीटिंग कश्मीरी पंडित, वो आज से 7-8 साल पहले मैंने बनाया था, वो मैंने डाला भी है यूट्यूब पर, देखिएगा वो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।